हेलो फ्रेंड्स, आप सबको स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ प्लास्टिक कार्ड्स। प्लास्टिक कार्ड मतलब हमारे डेबिट और क्रेडिट कार्ड, इसको हम प्लास्टिक करेंसी कहते हैं। देखो, बार्टर सिस्टम में हम पहले थे, हमारे बाप दादा थे जब वो चीज़ दे के चीज़ लेते थे, बार्टर सिस्टम हो गया। उसके बाद हमने करेंसी को ढूंढा, पहले कॉइन्स बने, फिर कॉइन्स के नोट्स बने, फिर प्लास्टिक नोट्स बने, आज हम प्लास्टिक कार्ड्स पे आ गए। तो मान के चलो 10 लाख मुझे अगर लेके घूमना है मेरे पॉकेट में, तो इट विल बी हेवी, मुझे बैग लेके घूमना पड़ेगा। बट आई कैन डिपॉजिट दैट 10 लाख इन माई बैंक अकाउंट, आई कैन कैरी द कार्ड, मैं स्वैप कर सकता हूँ, कैश निकाल सकता हूँ। तो दिस इज अ प्लास्टिक कार्ड। सो आज प्लास्टिक कार्ड के टाइप देखेंगे, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्लास्टिक कार्ड। सो बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक कार्ड, वन इज अ डेबिट कार्ड एंड अनदर इज अ क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड को ही हम ATM भी कहते हैं। ATM मतलब क्या, हम हमेशा बोलते थे कि कॉलेज टाइम में एनी टाइम मनी, नो। ATM का मतलब है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन क्या करता है, जो ATM मशीन होता है उसको ATM ही बोलते हैं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। और ATM कार्ड जो है वो मशीन पे स्वैप करके पेमेंट निकालेंगे। आप बहुत सारे लोग उसको यूज़ करते होंगे, सो ज़्यादा डिटेल बताने की उसमें आई डोंट थिंक की कोई ज़रूरत है। तो टाइप्स ऑफ प्लास्टिक कार्ड, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड को हम ATM कहेंगे और क्रेडिट कार्ड, दोनों में फिर से दो सब टाइप होते हैं, इंटरनेशनल डोमेस्टिक, इंटरनेशनल डोमेस्टिक। तो बहुत सारे कंपनी उसको नाम दिया, बेसिक डेबिट कार्ड, प्लैटिनम डेबिट कार्ड, प्लैटिनम मतलब इंटरनेशनल होगा। तो उनकी अलग अलग टाइप्स है, प्लैटिनम, सिल्वर, गोल्ड, जुबली, जो भी फलाना ढमाका जो भी नाम रख सकते हो उनकी मर्जी है, तो उन्होंने उसका नाम रख दिया। ओके, सो बेसिकली देर आर टू टाइप्स। अब आप बोलेंगे चलो इतना ही है, तो ये वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड, ये क्या लिखा रहता है? सो ये वीज़ा है, जो मास्टर कार्ड है, रुपे है, इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा हम इसको डिटेल में समझेंगे। देखो क्या हो रहा है कि मेरे पास एक फ़ोन है, मुझे किसी को कॉल करना है। ऐसे मान के चलो मेरा फ्रेंड है ए, जो दिल्ली में बैठा है, मुझे उसको कॉल करना है। सो ए को जब मैं कॉल करता हूँ मोबाइल से, तो ये कनेक्ट कैसे होता? उसके पहले जब वायर टेलीफोन थे, तो मेरे घर से वायर से कनेक्शन आता था, मेरे वायर से मेरे नज़दीकी एक्सटेंशन के वहाँ पे जाता था, वायर से कनेक्ट होकर वहाँ पे टावर को कनेक्ट होता, टावर से सैटेलाइट, सैटेलाइट से उसके एरिया का सैटेलाइट, फिर टावर, फिर वायर, फिर फ़ोन, ये होता था, राइट। आज फ़ोन में क्या हो रहा है कि मेरे फ़ोन से फ्रीक्वेंसी जा रही है, वहाँ का एरिया का टावर उसको खींच रहा है, सैटेलाइट को कनेक्ट कर रहा है, वो सैटेलाइट उनके सर्वर पे जा रहा है, बिलिंग सर्वर से देख रहा है बैलेंस है, तो फिर वो दूसरे टावर से कनेक्ट कर रहा है और वहाँ से मेरे फ्रेंड को कॉल लग रहा है, और ये सब हो रहा है हार्डली 1 or 2 seconds में। तो आप देखो टेक्नोलॉजी कितना 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 आगे गया। सेम अब यहाँ पे ये टेलीकॉम कंपनीज का काम क्या था, एक फ़ोन को दूसरे फ़ोन से कनेक्ट कराना और जो उनकी बातें हो रही है उसको इनक्रिप्ट करना, मतलब कोई और ना सुने अगर उसको हैक भी करता है तो, राइट। तो वो आवाज़ की फ्रिक्वेंसी को पकड़ना है, उसको कोड में डालना है और वहाँ पे बंदे को भेज के उसको डिकोड करके सुनाना है। सो ये काम टेलीकॉम कंपनीज करते हैं। तो सेम वे जब पहले क्या था, पैसे ट्रांसफ़र करने थे तो मैं मेरे बैंक में डिपॉजिट करूंगा, फिर मेरे बैंक को बोलूंगा उसको ट्रांसफ़र कर, फिर वो दूसरे को ट्रांसफ़र करेगी, फिर वो विड्रॉ करेगा, इस सब प्रोसेस में टाइम जा रहा था। तो यहाँ पे कुछ कंपनीज आए जिन्होंने कहा कि आप हमारा कार्ड ले लो, हमारा सारे बैंकों के साथ टाइप है, आप हमारे कार्ड से स्वैप करो, कोई भी कंपनी का अकाउंट हो उसमें हम इमीडिएटली ट्रांसफ़र कर देंगे। सो दैट वर द मीडिएटर कंपनी। जैसे पेटीएम आया, पेटीएम ने क्या किया, आप हमारे ऐप पे आओ, रिचार्ज करो, हम आपके टेलीकॉम ऑपरेटर पर जाएंगे, बोलेंगे इनका रिचार्ज करो, पेमेंट देंगे और हम आपका काम पूरा करेंगे, उसके बदले हमको कुछ कमीशन मिलेगा। तो सेम वे ये मास्टर कार्ड, वीसा कार्ड, रुपे, ये जो है ये मीडिएटर कंपनीज है और वो कंपनी के कार्ड हम इशू करा के ले रहे हैं, सो उस पर उनका नाम आ रहा है क्योंकि उनका वो कार्ड है। ओके, अब वीज़ा कार्ड एंड मास्टर कार्ड ये है फॉरेन कंपनीज, इनके कुछ चार्जेस भी थे, बहुत सारे चार्जेस लग रहे थे और हमारे इंडियन बैंक में से जो पेमेंट जाता था उनके सर्वर फॉरेन में रहते थे, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम था, ये बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये सोचा कि अब इसको हम क्या कर सकते हैं, NPCI एक है जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने, गवर्नमेंट कंपनी है, इन्होंने एक अपना खुद का कार्ड लॉन्च किया जिसका नाम दिया रुपे। तो रुपे कार्ड ये इंडियन, प्योर इंडियन कार्ड है, यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं लगता, यहाँ के ट्रांजैक्शन बहुत फास्ट होती है क्योंकि इंडिया से इंडिया में ट्रांजैक्शंस हो रही, कोई पैसा फॉरेन कंपनीज में नहीं जा रहा, फॉरेन अकाउंट में नहीं जा रहा, वहाँ से ट्रांसफर नहीं हो रहा। तो यहाँ पे एक बट एक लिमिटेशन आ रहे थे कि रुपे कार्ड सिर्फ इंडिया में चल रहा था, इंडिया के बाहर नहीं चल रहा था, बट उन्होंने फिर से नया लाया रुपे प्लैटिनम कार्ड, जो आप इंटरनेशनली भी पे कर सकते हो, बहुत सारी कंट्रीज के साथ इनका टाइप हो चुका है और बहुत सारी कंट्रीज के साथ बाकी है, बट NPCI इज़ वर्किंग वेरी फास्ट टू स्प्रेड द रुपे कार्ड अराउंड द वर्ल्ड। तो अब क्या हुआ, इसके पहले आपने कभी टीवी पे ऐड नहीं देखा होगा कि वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड का, बट
जैसे रुपे कार्ड मार्केट में आया, वीजा कार्ड मास्टर कार्ड ने अपना ऐड शुरू कर दिया और उन्होंने ये बताना शुरू किया हमारा भी पेमेंट सबसे फास्ट है, सबसे ट्रांसफर है एंड नाउ देयर इज अ कंपटीशन। बट ये जो तीन है, वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड, दीज आर नथिंग बट अ मीडिएटर कंपनीज। वो अपने अपने कार्ड्स बेच रहे हैं और उसके बदले में ट्रांजेक्शन करके पैसे कमा रहे हैं। सो यहाँ पे कुछ डिफिकल्ट एज सच नहीं है, ओनली टू टाइप्स, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक, दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे नए कंटेंट आप चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शंस में लिख के मुझे बता सकते हो कि आपको और कौन से टॉपिक पे वीडियो आप चाहिए, मैं उसी पे वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए। तब तक के लिए शुक्रिया।